हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं सीड और एसटी के बीच में जो मैटर हुआ था। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, कल जब सीड स्ट्रीम किए थे उसके बाद वो एक कम्युनिटी पोस्ट करते हैं, देख सकते हो। क्वेश्चन, व्हेन यू कंसीडर योर सेल्फ एन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन डू यू यूज द लैंग्वेज वी आर एंटरिंग इंडिया और वी आर कमिंग बैक टू इंडिया। माइंड सीम्स लाइक अ स्मॉल थिंग टू यू बट द माइंड सेट मैटर्स। TSM अनाउंस्ड वी आर एंटरिंग इंडिया, एंटिटी अनाउंस्ड देयर लाइनअप सेइंग वी आर बैक। You are being used only for engagement. You know who is homegrown and who isn't. तो सीड और एसटी के बीच में जो मैटर हुआ था, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में सब कुछ बताया था। सीड ने यहाँ पे रिप्लाई भी दिया था और फिर इसके बाद यहाँ पे अभी तो ये मैटर खत्म हो चुका है, लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होगा और यहाँ पे एसटी का कौन सा लाइनअप वो लोग लेगी। अब इसके बाद यहाँ पे आज जो टूर्नामेंट था नॉर्डविन का वो खत्म हो चुका है, जिसमें ग्लैडिएटर ई स्पोर्ट्स जीत चुके हैं और RNT सेकंड 8bit थर्ड आई है, जो कि बहुत ही बढ़िया था। यहाँ पे थोड़ा कंपटीशन तो भाई बहुत ही ज्यादा था। अब इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, इसी टूर्नामेंट में सैनोक वाला मैच में यहाँ पे सोल का ड्रॉप पे स्प्रे गॉड की टीम जंप कर देती है, क्योंकि वो लोग का ड्रॉप बहुत ज्यादा दूर था, सामी था, जो कि यहाँ पे देख सकते हो। अब इसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे बंदे जो सोल के फैन है वो अलादीन एंड उनकी टीम को हेट देने लगते हैं, यहाँ पे बहुत गालियां भी देने लगते हैं। तो वो एक स्टोरी लगाते हैं, एक ड्रॉप पे उतरने पे इतनी गालियां, प्लेन पाथ दूर था सामी से इसलिए उतरना पड़ा रुइंस, इतना गुस्सा, गाली सेहत के लिए अच्छा नहीं है, शांत रहो सोल फैंस। ऑल्सो ST हम ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, ना हमारे उस रिगार्डिंग कोई बात हुई जयान से, क्लियरिंग डेट आउट टू पीस। और नीचे में यहाँ पे लिखे है, और ये मुस्लिम हो तो एंटी नेशनलिस्ट एंड इतने माँ बाप की गालियां वगैरह बोलना बंद करो। तो यहाँ पे भाई अब आप लोगों को पता है कि हॉट ड्रॉप तो मतलब ड्रॉप क्लैश ही तो होता रहता है, TX गोडला के जैसे होता है, और भी बहुत सारे टीम का हॉट ड्रॉप यहाँ पे जो भी फाइट होता रहता है। सीट ने भी कल स्ट्रीम पे बोला कि किसी का भी ड्रॉप पे नाम नहीं लिखा हुआ है, कोई भी कहीं पे भी ड्रॉप कर सकता है। अगर सोल की ड्रॉप पे कोई जम करेंगे तो वो लोग फाइट करेंगे, मारेंगे या मरेंगे। तो यहाँ पे भाई इसके बाद क्यों हेट दे रहे हो, मतलब भाई हेट देने का कोई बात ही नहीं उठता है, और तुम लोग यहाँ पे फालतू किसी को भी यहाँ पे कुछ भी बोल दे रहे हो। जैसे यहाँ पे ये लोग का कोई भी एसटी से कनेक्शन नहीं है, ना ही ये लोग एसटी ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे ये क्लेरिफाई करते हैं। फिर भी भाई यहाँ पे कुछ हेटर्स का तो बात ही है, चाहे वो गॉडलाइक के हेटर हो, सोल के हेटर हो या कोई और टीम के, यहाँ पे हेटर्स तो सबके होते हैं, ऐसा कोई एक और का सपोर्टर या हेटर नहीं होता है, सबका यहाँ पे हेटर होते हैं। तो भाई ऐसा मत क्या करो। इसके बाद TSM वापस से BGMI में आने वाली है, देख सकते हो TSM कमिंग बैक टू BGMI, लाइनअप नॉट फिक्स्ड येट, दे आर ट्राइंग ट्राई आउट्स फॉर न्यू लाइनअप, वी कैन सी TSM इंडिया इन अपकमिंग BGMI इवेंट। तो यहाँ पे भाई बहुत सारी न्यू ऑर्गेनाइजेशन आई है, तो यहाँ पे TSM भी वापस आने वाली है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे वो लोग कौन सी टीम लेगी, यहाँ पे शायद से वो लोग अंडरडॉग लेंगे। अगर अंडरडॉग होगा तो मोस्ट प्रोबेबली वो लोग को यहाँ पे जो BGIS का ऑफिशियल इवेंट होगा, जो कि यहाँ पे जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा इसका रजिस्ट्रेशन सब, तो उसमें वो लोग खेलते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में बताना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।